हाँ जी भी डीयर स्टूडेंट थोड़ा सब का साढ़े यूट्यूब चैनल के उपर स्वागत है। अज थोड़े नाल आपां सार्जेंट फ्लोरेंस थ्यूरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे डिस्कशन करांगे। इस तो पहला असी जिहड़ी वैबर थ्यूरी है इंडस्ट्रियल लोकेशन की उहदे बारे ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के उपर लैक्चर अपलोड किया होया है। तां तुसीं इस थ्यूरी नूं देखण तो पहला अगर तुम उस थ्यूरी के उपर भी ध्यान दोगे तो तुहानू इसकी थोड़ी कलैरिटी नज़र आएगी, क्योंकि जिहड़ी सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्यूरी है वह वैबर थ्यूरी दी जिहड़ी शॉर्टकमिंग्स है उन्होंने कवर करती हुई अगे मूव करेगी। ठीक है जी, तो सब तो पहला स्टूडेंट्स हम दसीए कि जिहड़ी साढ़े कोल दो अप्रोचेस होंदियां ने, एक डिडक्टिव अप्रोच होंदी है एक इंडक्टिव अप्रोच होंदी है। तो जिहड़ी थोड़ी सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्यूरी है वह इंडक्टिव अप्रोच के उपर बेस्ड है, जदों की वैबर थ्यूरी जिहड़ी सी वह एक डिडक्टिव अप्रोच के उपर बेस्ड सी। तो जिहड़ी स्टूडेंट मतलब कि सार्जेंट फ्लोरेंस ने किस चीज़ के उपर फोकस करने की कोशिश की है, सब तो पहला तो उन्हें वैबर थ्यूरी के जिहड़ा एक शॉर्टकमिंग उन्होंने नज़र आई और वह की सी, कहिंदा भी वैबर थ्यूरी ने इंडस्ट्रियल लोकेशन नूं एरिया दे नाल कनैक्ट किया। ठीक है जी, और सार्जेंट ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। सार्जेंट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिलेटिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन विद एरियाज। तक इत्थे जिहड़ा सार्जेंट फ्लोरेंस है वह एक नवा कॉन्सैप्ट लैके आया, वह कहिंदा भी इंडस्ट्रियल लोकेशन या किसी भी इंडस्ट्री की कंसनट्रेशन का संबंध एरिया दे नाल नहीं हुंदा। उसकी कंसनट्रेशन चैक करने के लिए उसका संबंध इंडस्ट्रियल लोकेशन का जिहड़ा रिलेशनशिप आ वह तुसीं उत्थों की पापूलेशन के नाल बनाओ, उत्थों की पापूलेशन की जो अकूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है उस दे नाल रिलेट करो। जिमें कि लिखा हुआ है कि सार्जेंट फ्लोरेंस की कहता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिलेट इंडस्ट्रियल लोकेशन विद पापूलेशन एंड इट्स अकूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर थिंग्स रिलेटिंग टू पापूलेशन। तो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी तुसी नोटिस की कि जिहड़ी सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्यूरी है वह इंडस्ट्रियल लोकेशन नू या इंडस्ट्रियल कंसनट्रेशन नू जदों ठीक है फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी तो उसका संबंध किस नाल बनाएगी, पापूलेशन दे नाल, ते पापूलेशन च किस चीज़ पर फोकस करेगी, उसकी अकूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसनों आपां अगे जाके अलग अलग कंसैप्ट के थ्रू मतलब कि स्टडी करांगे। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स इत्थे सानू एक गल बिल्कुल क्लैरिफाई होगी कि जिहड़ी सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्यूरी है वह इंडस्ट्रियल लोकेशन का जिहड़ा रिलेशनशिप है विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पापूलेशन दे पॉइंट ऑफ व्यू तो चैक करेगी इंडस्ट्रियल लोकेशन, ना कि किसी एरिया नूं लैके। ठीक है जी, तो हुण तो स्टूडेंट जिहड़ा सार्जेंट फ्लोरेंस है उसने दो मैजर्स यूज किए ने इंडस्ट्रियल लोकेशन या इंडस्ट्रियल कंसनट्रेशन फाइंड आउट करन दे। ठीक है, तो वो टू मैजर्स कि टू मैजर्स जिहड़े स्टूडेंट्स हैगे ने, वन इज हैगा जी लोकेशनल फैक्टर जिसनों लोकेशन कोशंट भी कहते हैं, और एक है स्टूडेंट्स कॉफिशेंट ऑफ लोकलाइजेशन। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये दो चीज़ा ने, लोकेशन फैक्टर जिन्हों आप लोकेशन कोशंट कहने हैं, एक कॉफिशेंट ऑफ लोकलाइजेशन। इन्हां दोनों मैं हुण वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा और जिसकी मदद दे नाल आपां सार्जेंट फ्लोरेंस थ्यूरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन बारे जान पावांगे। ठीक है जी, हाँ जी भी स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यू करते हैं, आपां डिस्कस कर रहे थे कि जो सार्जेंट फ्लोरेंस उन्हें दो कंसैप्ट यूज किए हैं, वन इज लोकेशन फैक्टर एंड अदर इज कॉफिशेंट ऑफ लोकलाइजेशन। ठीक है जी, तो आप सब तो पहले डिस्कशन करांगे लोकेशन फैक्टर के उपर, क्योंकि सार्जेंट फ्लोरेंस ने काफ़ी फोकस दिता हैगा वर्कफोर्स के उपर। ठीक है, तो इतने एक स्टूडेंट छोटी डिस्कशन करनी है, मान लो सपोज कोई एरिया हैगा, ठीक है जी, उत्थे इंडस्ट्री काफ़ी है मान लो, ठीक है इंडस्ट्री कंसनट्रेटड आ, बट उत्थे पापूलेशन बहुत घट आ।
ठीक है जी। एक दूसरा केस ले लो, जिस केस दे विच तुसी बहुत ज़्यादा पापुलेशन कर दो पर जिहड़ी इंडस्ट्री है वह घट कर दो, ठीक। तो इत्थे ये समझन की कोशिश करनी आ कि तुसी कल्ली पापुलेशन नू देख के भी इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन का डिसीजन नहीं लेना कि जिथे पापुलेशन ज़्यादा होगी उत्थे इंडस्ट्री कंसंट्रेटड होगी, इस तरह नहीं। असी इंडस्ट्री कोई कंसंट्रेटड है या नहीं है, असी वर्करस दे जिहड़े वर्करस हुंदे ना अकूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिहड़ी वर्कफोर्स आ असी उन्हूं ध्यान च रख के करांगे कि किन्ने वर्करस। मान लो सपोज कोई एरिया है, लेट सपोज कोई एरिया उहदा नाम आपां बठिंडा लै लैंदे आ, तां आपां बठिंडा दे विच देखांगे कि टोटल वर्करस किन्ने बठिंडा दे विच काम कर रहे इंडस्ट्री दे विच, उन्हां चों किन्ने साइकिल इंडस्ट्री च काम कर रहे, किन्ने सीमेंट इंडस्ट्री च कर रहे है। तो उन्हां दा जिवें मान लो सपोज आपां साइकिल इंडस्ट्री की गल करते हैं तो साइकिल इंडस्ट्री वाले वर्करस का टोटल वर्करस दे विच की प्रपोर्शन है, तो ये सब चीज़ों की स्टडी के नाल ही असी कंसंट्रेशन का फैसला लेना हैगा, ठीक है जी। तो उहदे लई स्टूडेंट थोनू लोकेशन फैक्टर का जिहड़ा कॉन्सैप्ट आ उहनू समझाया जाऊगा, क्योंकि लोकेशन फैक्टर की मदद नाल ही सानू इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन का पता चलना हैगा। तो उहदे लई असी ये फॉर्मूला यूज करांगे, ठीक है जी। तो सब तो पहला तो सानू ये क्लैरिफाई कर दिए कि लोकेशन फैक्टर तुहाडे लई की मैजर करन जा रहा है। लोकेशन फैक्टर एक इंडैक्स आ जिस दे नाल आपां डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर रीजन चेक करांगे कि उहदी किन्नी कि डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन है। इत्थे स्टूडेंट्स दो वर्ड्स ने जिहड़े फोकस करने हैं, पर्टिकुलर इंडस्ट्री। पर्टिकुलर इंडस्ट्री मतलब जिहड़ी इंडस्ट्री दी असीं गल कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री दी कंसंट्रेशन दी असीं गल कर रहे हैं। पर्टिकुलर रीजन कि तुसीं किस रीजन दे विच कंसंट्रेशन चेक कर रहे हो, ईस्ट रीजन दे विच, वैस्ट रीजन दे विच, या नॉर्थ या साउथ, तुसी किस रीजन दे विच किस एरिया दी गल कर रहे हो, ठीक है जी। ओ पर्टिकुलर एरिया ते ओ पर्टिकुलर इंडस्ट्री दी जिहड़ी कंसंट्रेशन आ ओ असी लोकेशन फैक्टर द्वारा चेक करांगे, ठीक है जी। तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्टूडेंट्स क्या हो सकती है, साइकिल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। तो तुसीं कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है उनके लिए असी पर्टिकुलर इंडस्ट्री वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर रीजन मतलब कोई एरिया जिवें मैं ईस्ट, वैसट, साउथ, नॉर्थ, है ना, कुछ भी तुसीं लै सकते हो। तो हुण जिहड़ा लोकेशन फैक्टर आ इह किसे पर्टिकुलर इंडस्ट्री दी किसे पर्टिकुलर एरिया दे विच कंसंट्रेशन चैक करन च हैल्प करूगा कि वैदर, ठीक है, जिहड़ी उह इंडस्ट्री असीं गल कर रहे हैं कि वह उस एरिया च कंसंट्रेटड है या नहीं, वह डिपेंड करेगा तुहाडा एल क्यू दी वैल्यू ते, यानी कि लोकेशन फैक्टर या लोकेशन कोशेंट दी वैल्यू ते। तो उहदे लई स्टूडेंट सानूं इक फार्मूला असीं लिखिया होया, तो उह फार्मूला मैं तुहानूं पहलां दसदा। परसेंटेज ऑफ वर्करस इन जेथ इंडस्ट्री, इतने प्लीज स्टूडेंट जिहड़ा जेथ इंडस्ट्री पाया ना, यह किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री वास्ते पाया है। जे वर्ड मे बी फॉर साइकिल इंडस्ट्री, या तुसी मतलब कि इनू यूज कर लो, ठीक है, स्विंग मशीन जिथे बन, किसी भी चीज़ वास्ते। जे फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट आ, पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री टाइप नू शो करूगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वर्करस इन जेथ इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर रीजन टू वर्कर्स इन जेथ इंडस्ट्री इन ऑल रीजनस, यानी कि पहली परसेंटेज जी हैगी आप की करांगे, ठीक है जी। तो इन स्टूडेंट्स आप एक बार रीड करके फिर सूँ इस टेबल चो सारा मैं क्लैरीफाई करूँगा। एक बार नीचे आप देख लीए, परसेंटेज ऑफ ऑल वर्करस, परसेंटेज ऑफ ऑल वर्करस इन पर्टिकुलर रीजन टू ऑल वर्करस इन ऑल रीजनस। तो जिहड़ियां इह परसेंटेज दी रेशियो आ ना स्टूडेंट्स, उही तुहाडे लई लोकेशन कोशेंट आ, लोकेशन फैक्टर आ। बट इस नूं कढ़ना किवें आ, उहदे लई मैं इक टेबल बनाया है, उह टेबल नूं अंडरसटैंड करके तुसीं ईजली समझ सकदे हो। तो स्टूडेंट्स इह वाला बॉक्स की आ, वर्करस इंपलायड इन, वर्करस दी गल कीती है कि वर्करस, इत्थे आपां रीजनस लिखियां ने, इस साइड रीजनस ने, इस साइड आपां इंडस्ट्री लिखी आ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिहड़ा आह वाला हैगा, इत्थे स्टूडेंट्स अपने कोल आ जे इंडस्ट्री आ, इस सारियां इंडस्ट्रीज आ, ऑल इंडस्ट्रीज, ठीक है। इत्थे तुहाडी पर्टिकुलर रीजन हैगी आ, ईस्ट, वैसट, साउथ, जो भी तुसी नाम देना चाहो। इत्थे ऑल रीजनस आ जिन्हों आपां नेशन और कंट्री भी बोल सकते हैं,
ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण स्टूडेंट्स ये वर्करस इंप्लायड इन इत्थे रीजनस दे अकॉर्डिंग है, इत्थे इंडस्ट्री दे अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया होया है। जिवें कि जिहड़े आ 1000 दी फिगर है की शो करदी आ, ये शो करदी आ कि जे इंडस्ट्री दे विच उस पर्टिकुलर रीजन, लैट सपोज स्टूडेंट्स पर्टिकुलर रीजन दा आपां नाम रख दईए कोई, तां जो आपां नूं मान लो आपां ईस्टर्न रीजन रख दिंदे आ, ठीक है कि अपनी पर्टिकुलर रीजन दा नाम ईस्टर्न रीजन है। तो जी 1000 की फिगर आ ये शो करेगी कि बई ईस्टर्न रीजन दे विच, ठीक है जे इंडस्ट्री दे विच 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है जी, क्लीयर ना। हुण उस तो बाद स्टूडेंट्स इत्थे आ जाओ 2000, इत्थे की लिखे है ऑल रीजनस, इत्थे की लिखे है कंट्री। ऑल रीजनस मीनस कंट्री, बी ऑल रीजनस जिन्हां भी देश दे विच रीजनस हैगियां ने उन्हां सारियां रीजनस दे विच जे इंडस्ट्री च काम करन वाले टोटल वर्कर्स 2000 है, ठीक है। जे इंडस्ट्री च ईस्टर्न रीजन च काम करन वाले किन्ने ने 1000, बट सारियां रीजन च जे इंडस्ट्री च काम करन वाले किन्ने ने 2000, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स आ जाओ 8000 ते, की मतलब है रीजन केड़ी है ईस्टर्न, मतलब कि ईस्टर्न रीजन दे विच ऑल इंडस्ट्री च काम करने वाले वर्कर्स किने ने 8000। इहदा मतलब ये हो गया कि ईस्टर्न रीजन दे विच जिहड़े टोटल वर्कर्स ने, जिहड़े टोटल इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने वो 8000 ने, क्योंकि इत्थों पता चल रहा आपां नूं, ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स इत्थे आ जाओ 20000 ते, इह की शो कर रहा है कि सारी कंट्री दे विच सारे जिहड़े वर्कर्स ने वो टोटल 20000 ने, ठीक है जी। लिखे हो ना ऑल इंडस्ट्रीज, इधरों ऑल रीजनस मतलब ऑल रीजनस ते ऑल इंडस्ट्रीज च जिहड़े टोटल वर्कर्स ने काम करन वाले वो 20000 ने, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स जब तुसीं समझ गए तो ये जिहड़ा टेबल बनाया है ये मेरियां हाइपोथेटिकल वैल्यूज है स्टूडेंट्स, तुसीं जो मर्जी वैल्यूज लैके एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। तो हुण आपां ये चीज़ कैलकुलेट करिए, तो हुण कैलकुलेट करने लई स्टूडेंट्स आपां की करांगे, सब तो पहला मैं इस नूं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा ते नाल परसेंटेज कैलकुलेट करांगे। नो डाउट आपां परसेंटेज लैनी है किहदी, वर्करस इन जेथ इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर रीजन, सो दिस इज द पर्टिकुलर रीजन, दिस इज द जे इंडस्ट्री, इट मीनस 1000 वर्करस ने, ठीक है जी। टू वर्करस इन जे इंडस्ट्री इन ऑल रीजनस, जे इंडस्ट्री च ते ऑल रीजन च किन्ने वर्करस ने 2000, तो 1000 ओवर 2000 इनटू 100 करके जी अपने कोले आ परसेंटेज आ जूगी। तो हुण स्टूडेंट्स नीचे आ जाओ, परसेंटेज ऑफ ऑल वर्करस इन पर्टिकुलर रीजन, आप पर्टिकुलर रीजनस ये ऑल वर्करस आ गए, ऑल इंडस्ट्रीज वर्करस इंप्लायड इन ऑल इंडस्ट्रीज ऑल वर्करस आ गए, दैट इज 8000, ठीक है 8000, ठीक है जी। ओवर टू, ठीक है टू ऑल वर्करस इन ऑल रीजनस, ऑल इंडस्ट्रीज ऑल रीजनस आ गए, ऑल वर्करस मतलब स्टूडेंट जो ऑल इंडस्ट्रीज है ना ये ऑल वर्करस आ, वर्करस इंप्लायड इन ऑल इंडस्ट्रीज मीनस सोडे कोल जिन्ने टोटल वर्करस ने, ठीक दैट इज 20000 इंटू किन्ना जी 100। तो हुण स्टूडेंट्स जदों आपां ये चीज़ कैलकुलेट करांगे दैट कम्स 50%, ठीक है जी। तो जी परसेंटेज आ गई जी, परसेंटेज ऑफ वर्करस इन जेथ इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर रीजन टू वर्करस इन जेथ इंडस्ट्री इन ऑल रीजनस की परसेंटेज किनी आ गई 50%। परसेंटेज ऑफ ऑल वर्करस इन पर्टिकुलर रीजन टू ऑल वर्करस इन ऑल रीजन की परसेंटेज किनी आ गई 8000 बाय 20000 इंटू 100 दैट कम्स 40% जी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स तुसीं इहनूं कैलकुलेट करोगे ये साढ़े को 1.2 आएगा जी, 1.25, ठीक है जी, हाँ जी 1.25 आ जाएगा। तो हुण साढ़े कोले लोकेशन कोफिशेंट आ गया दैट इज 1.25। तो इत्थे स्टूडेंट्स सिंपल जिहदी इहदी इंटरप्रिटेशन है वह किस तरह करनी है, जेकर साडा लोकेशन कोफिशेंट 1 तो ग्रेटर है इट मीनस इंडस्ट्री की कंसनट्रेशन हैगी, मतलब पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर्टिकुलर रीजन पर कंसनट्रेट कर रही है, ठीक है। जिवें अपनी एग्जाम्पल दे केस दे विच जिहड़ी जे इंडस्ट्री आ वो पर्टिकुलर रीजन जिहड़ी कि ईस्टर्न रीजन है उत्थे कंसनट्रेट कर रही है, ठीक है जी। अगर आंसर सोडा 1 तो घट आएगा इट मीनस कंसनट्रेशन नहीं है, ठीक है जी। तो 1 तो
जिन्ना आंसर उपर आएगा, जिन्ना मैगनीट्यूड वध आएगा, ठीक है, वैल्यू वध आएगी, उन्नी कंसंट्रेशन हाई मनी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह चीज़ है, तो यह थोड़ा जिहड़ा हैगा लोकेशन फैक्टर ते लोकेशन कोफिशिएंट दा हैगा मतलब कि एनालिसिस है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, जिसने कि आपां किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की पर्टिकुलर एरिया दे विच कंसंट्रेशन दे बारे दसिया, तो इसको आपां किवें इंटरप्रेट करना हुण वो आपां डिस्कशन करांगे। तो हुण स्टूडेंट जिवें आपां इह लोकेशन फैक्टर बारे डिस्कस किया और फाइनली आपां इस रिजल्ट ते पहुंचे जिस तों इह पता चलिया कि देर इज कंसंट्रेशन, है ना, भी जिहड़ा इंडस्ट्री हैगी आ जिहड़ी ईस्टर्न रीजन है उहदा बाकी रीजन दे नालों इस दे विच शेयर ज़्यादा हैगा। ठीक है, आपां इह इंटरप्रेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स इहदे पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, लोकेशन फैक्टर की मदद के नाल ये चैक किया जा सकता है कि जिहड़ी इंडस्ट्री है वह किसी पर्टिकुलर जगह पर कंसनट्रेट तो नहीं कर रही, या मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उसका डिस्परसल हैगा। ठीक है जी, वो ईवनली डिस्ट्रीब्यूटड आ, तो यह सरकार जिहड़ी एक ऑब्जेक्टिव होंदा गवर्नमेंट का रीजनल बैलेंस्ड डिवेलपमेंट या जिहड़े रीजनल इंबैलेंसिस हुंदे आ उन्हां नूं दूर करना सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हुंदा। ठीक है जी, तो उत्थे लोकेशन फैक्टर की मदद के नाल तुसीं जिहड़ी वो इंबैलेंसिस हैगे है, ठीक है जी, इंडस्ट्री के किसी पर्टिकुलर प्लेस से ज़्यादा कंसनट्रेट होना या ना होना, वो सरकार नूं एक अच्छी मतलब इनपुट दे सकता है। तो हुण स्टूडेंट्स इस तो अगे आपां पहुंचांगे कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन दे उपर, तो वो एक अलग तरह का कॉन्सैप्ट आ जिहड़ा कि तुहानूं फरदर जानकारी देगा इंडस्ट्रियल लोकेशन बारे। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, हुण पहुंचदे हां आपां कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन दे उपर। तो कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन कंसंट्रेशन चैक करूगी किसी भी इंडस्ट्री की एनीवेयर इन द कंट्री। पहला आपां गल कर रहे सी कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कंसंट्रेशन इन पर्टिकुलर रीजन, बट कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन दे विच आपां ये देखण की कोशिश करांगे कि कोई भी इंडस्ट्री एनीवेयर इन द कंट्री, कंट्री के किसी भी हिस्से कंसंट्रेट कर रही है तो वह चैकिंग होगी। इट इंडीकेट्स प्रोपेंसिटी ऑफ इंडस्ट्री टू कंसनट्रेट एनीवेयर इन द कंट्री। हुण आपां किसी पर्टिकुलर रीजन च नहीं चैक करांगे, एनीवेयर इन द कंट्री देखांगे कि इंडस्ट्री की कंसनट्रेशन है या नहीं है। तो उहदे लई स्टूडेंट साढ़े कोल एक हाइपोथेटिकल डेटा हैगा, साढ़े कोल फिगर्स असी लईआं हैगीआं ने, आ जोन है साढ़े कोल साउथ ईस्ट वैसट नॉर्थ, इतने ऑल जोनस आ गए सब का, यानी कि टोटल ये टोटल वर्कर्स आ गए। साउथ जोन के टोटल 6000 वर्कर्स काम कर रहे, ईस्ट 4000, वैसट 8000, नॉर्थ 2000, सारिया जोनस के मिला के टोटल वर्कर्स अपने को 20000 है। ठीक है जी, ये हैगे स्टूडेंट्स वर्कर्स इन जे इंडस्ट्री, यानी कि जिहड़ी तुहाडी पर्टिकुलर इंडस्ट्री आ जिसनों तुसी साइकल इंडस्ट्री बोलो या कुछ भी होर नाम बोलो, ठीक है, तो मैं उन्हों जे नाम दिता होया है, जिहड़ी उह तुहाडी पर्टिकुलर जे इंडस्ट्री है वो साउथ दे विच उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री च किन्ने वर्कर काम कर रहे, जे इंडस्ट्री च 1000, ईस्ट दे विच 2000 काम कर रहे, वैसट दे विच 500, नॉर्थ दे विच जिहड़े आ स्टूडेंट्स वो भी 500, ते टोटल वर्कर जिहड़े जे इंडस्ट्री च आल ओवर दी कंट्री काम कर रहे 4000 आ। तो स्टूडेंट्स हुण आपां इत्थे परसेंटेज निकालांगे जिवें कि आपां पहलां निकालियां सी, डिटो सेम फार्मूला अप्लाई करना जिहड़ा आपां कोफिशिएंट ऑफ सॉरी लोकेशन कोशेंट कढ़िया सीगा, उवें हुण आपां हर एक जिहड़ी जोन आ उदा आपां लोकेशन जिहड़ा कोफिशिएंट कढ़ांगे। ठीक है जी, वो लोकेशन कोफिशिएंट जिहड़ा कढ़ांगे वो किवें करना है, यानी कि फार्मूला वो यूज़ होगा, लोकेशन कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं आपां कढ़ांगे, फार्मूला वो यूज़ करांगे। देखो जी, परसेंटेज ऑफ वर्करस इन रीजन टू ऑल वर्करस इन कंट्री, साउथ रीजन दे विच किन्ने वर्करस काम कर रहे 6000, टोटल वर्करस किन्ने ने 20000, इट मीनस 6000 डिवाइड बाय 20000 इंटू 100, तो अपने को 30% आ गया। इट मीन स्टूडेंट्स जिन्हें साउथ रीजन के 30% वर्कर काम कर रहे हैं, सिमिलरली आप ईस्ट के कढ़ांगे, ईस्ट
4000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, टोटल किन्ने ने 20,000, तब परसेंटेज दे हिसाब नाल अपने को स्टूडेंट्स आ जाएगा 20% वर्कर्स। ठीक है जी, 20% वर्कर्स ईस्ट रीजन दे विच काम कर रहे हैं, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जो टोटल वर्कर्स आ उन्होंने रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की आ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है जी, फिर अपने को स्टूडेंट्स 8000 है गया, तो 8000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100 करके अपने को आ जाएगा जी 40%। ठीक है जी, तो लास्ट नॉर्थ के आ जाएंगे जी 2000 डिवाइड बाय 20,000 यानी कि 10%। ठीक, तो उस तो बाद स्टूडेंट्स हुण अगे की करना, आपां अगे आपां ये निकालना कि जे इंडस्ट्री आ उच हर एक रीजन वाइज आपां जे इंडस्ट्री जिहड़े वर्कर्स काम करते हैं वह आपां पता। ठीक है जी, 1000 2000 500 500, तो हुण आपां परसेंटेज पता की कढ़ांगे, आपां ए प्रपोर्शन निकालांगे कि जे इंडस्ट्री जिहड़े टोटल वर्कर्स आ उन्हां टोटल वर्कर्स दे विच्चों जे इंडस्ट्री च काम करन वाले टोटल वर्कर्स दे विच्चों ईस्ट च किन्ने काम करदे आ, वैसट नॉर्थ ये सारे किवें किवें काम करदे आ, यानी कि उन्हां परसेंटेज की आ, यानी कि साउथ दे विच 1000 वर्कर जे इंडस्ट्री च काम करदे आ, टोटल 4000 वर्कर काम करदा जे इंडस्ट्री च। हुण साउथ रीजन दा की प्रपोर्शन आएगा तो वह आपां इत्थे निकालांगे, 1000 4000 इंटू 100 तो ये अपने को 25% आ गया जी। ठीक है, अं सिमिलरली ए हो गया जी 2000 4000 इंटू 100 50%। तो इन स्टूडेंट्स आप पढ़ सकते हैं कि बई जी सोडी ईस्ट रीजन जे इंडस्ट्री काम करने वाले पूरे देश च डे जे इंडस्ट्री काम करने वाले का 50% कल कितने काम करी जाते हैं, ईस्ट रीजन काम करी जाते हैं। ठीक है जी, जिवें मान लो सपोज पूरे देश दे विच टोटल, ठीक है, 100 वर्करस दा साइकल बनाउण वाले 100 वर्कर सपोज कर लो, उन्हां चों मान लो सपोज लुधियाणा दे विच 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो जिन्ने लुधियाणा च काम कर रहे 50 वर्कर्स ओवर टोटल वर्कर्स इन साइकल फैक्ट्रीज इंटू 100 करके आपां उवें परसेंटेज निकाल रहे हैं अलग अलग जोन दियां। ठीक है जी, हुण नैक्सट स्टूडेंट्स आ जाऊगा 500 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100, तो यह अपने को 12.5% बनूगा जी। नैक्सट वैल्यू भी स्टूडेंट्स 12.5% बनेगी। इन दिस वे तुसी जिहड़ियां इह परसेंटेज आ इह निकाल लईआं। ठीक है जी, हुण स्टूडेंट तुसी डेविएशन लैनी हैगी आ। ठीक है, डेविएशन का मतलब की होगा, डेविएशन स्टैंड्स फॉर डिफरेंस। ठीक है जी, तो आप डिफरेंस जिहड़ा हैगा वह कैलकुलेट करांगे। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आप जिहड़े डेविएशन्स निकाल ले 30 माइनस 25%, ठीक है, प्लस का 5% आ गया, 20 चो 50 माइनस कितने माइनस है 30%, 40 चो 12.5 माइनस कितने प्लस का 27.5, 10 दे विच्चों 12.5 माइनस किया माइनस है 2.5%। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा अपना कोफिशियंट ऑफ लोकलाइजेशन हैगा, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ लोकलाइजेशन वो निकलेगा किवें, तो सब तो पहला तुसीं क्या करो, सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन्स लै लो, पॉजिटिव डेविएशन्स। ठीक है जी, ओवर कर दो स्टूडेंट्स 100, उन्हों 100 ते डिवाइड कर दो, यानी कि सोडे कोल डेविएशन्स आ, इन्हां डेविएशन चों सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज चक लो, ओनली पॉजिटिव, उन्हां दा सम करना है 5% ते 27.5, तो अपने को 32.5% आ गया, उन्हों तुसी 100 ते डिवाइड करना है जी। ठीक है जी, डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स आ सोडे कोल जी वैल्यू आएगी वो 0.325 आ जाएगी जी। ठीक है, सो दिस इज द कोफिशियंट ऑफ लोकलाइजेशन। क्लीयर जी, तो स्टूडेंट जी कोफिशियंट ऑफ लोकलाइजेशन हैगी हुण इंटरप्रैट करांगे कि मतलब केड़ी वैल्यू तो की समझा जाए। ठीक है, तो वह सारी इंटरप्रैटेशन थोड़े नाल हुण डिस्कस होएगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपने को हुण जिहड़ी आपां रे एक वो बना लिया चार्ट, ठीक है, जिसकी इंटरप्रैटेशन
जिदी हैल्प नाल आपां इंटरप्रिटेशन करांगे। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन दे लई स्टूडेंट्स रेंज आ अपना आंसर जिहड़ा आया सीगा जो आपां फिगर्स लईआं सी उह 0.325 आया सी जिहड़ा कि इस रेंज च लाई करदा है। जेकर आंसर इस रेंज लाई करूगा तो लोकलाइजेशन हैगी आ, इस रेंज करूगा तो मीडियम, जे तुहाडा आंसर 0.5 to 0.75 दे इन बिटवीन आएगा तो फेयर, अगर 0.75 to 1 दे इन बिटवीन आउंदे तो हाई, अगर 1 आउंदा तो एक्सट्रीम जिहड़ा हाई आंसर आएगा लोकलाइजेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, इत्थों बस तुसीं ये इंटरप्रेट कर सकते हो कि जिहड़ियां इंडस्ट्रीज़ का लोकलाइजेशन कोफिशेंट बहुत हाई हुंदा ना उन्होंने तुसीं शिफ्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जिहड़ी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ, है ना, उस च कोफिशेंट ऑफ लोकलाइजेशन काफ़ी हाई आएगा, तो जिहड़ियां हाई कोफिशेंट वालियां होणगियां वो लोकलाइज्ड हुंदियां ने। लोकलाइज्ड दी प्रॉब्लम क्या हुंदी है कि उन्होंने तुसीं किते भी शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिहड़ा लोकल एरियाज़ दे विच मटीरियल अवेलेबल आ या वट एवर कोई होर सोर्सिस अवेलेबल आ, वो उन्हां ते बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आ। ठीक है जी, जिस करके तुसीं उन्हां नूं किते होर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो हुण गवर्नमेंट वास्ते जिहड़ी एक कोफिशेंट ऑफ लोकलाइजेशन आ काफ़ी हैल्पफुल आ, जिवें कि गवर्नमेंट का एक हुंदा बैलेंस्ड रीजनल डिवेलपमेंट का एक गोल हुंदा। ठीक है जी, कि जिहड़ियां सारे एरियाज आ, ठीक है, या जिहड़ियां रीजनल डिसपैरिटीज़ हैगियां ने उन्होंने दूर करना, रीजनल डिसपैरिटीज़ नूं दूर करने के लिए कोशिश की जाती है गवर्नमेंट वालों कि बई जिहड़ी इंडस्ट्री है उन्हों उस जगह पर भेजा जाए जिहड़े एरियाज बैकवर्ड एरियाज है, यानी कि जिहड़े बैकवर्ड एरियाज है उन्हां बैकवर्ड एरियाज च, ठीक है, किसी भी तरह के कोई फाइनैंशियल, ठीक है जी, फाइनैंशियल या मतलब होर तरह के इनसेंटिवस दे के, ठीक है, इनसेंटिवस दे के उन्होंने बैकवर्ड एरिया से अट्रैक्ट किया जा सके। तो कोफिशेंट ऑफ लोकलाइजेशन इन दिस वे हैल्प करता है कि गवर्नमेंट सिर्फ उन्हां इंडस्ट्रीज़ नू ही इनसेंटिव ऑफर करे जिहड़ियां इंडस्ट्रीज़ का कोफिशेंट ऑफ लोकलाइजेशन बहुत ही घट है, लो आ, क्योंकि उन्होंने ही शिफ्ट किया जा सकता है एनीवेयर इन द कंट्री, क्योंकि हाई कोफिशेंट कोफिशेंट ऑफ लोकलाइजेशन वालियां नूं शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने शिफ्ट करने जिहड़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ वह इन्नी ज़्यादा बेयर करनी पएगी, इन्नी ज़्यादा मतलब कंपनी कंपनीज़ नूं झलनी पएगी कि वह अफोर्ड नहीं कर सकनगियां ते ना ही वो दूर जा सकदियां ने। ठीक है, इस करके ये कोफिशेंट ऑफ लोकलाइजेशन इन दिस वे हैल्पफुल हैगा। ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण स्टूडेंट्स आपां जिहड़ी इह सारी थ्यूरी हैगी है जिहदे च आपां इह सब कुछ पढ़िया, है ना, इस दे जिहड़े वीक पॉइंट्स आ उह तुहाडे नाल डिस्कस करांगे, इहदियां शॉर्टकमिंग्स। ठीक है जी, तो होपसो तुहानूं जिहड़ी कोफिशेंट ऑफ लोकलाइजेशन दी जिहड़ी इंपॉर्टेंस आ जिहड़ी इंप्लीकेशन हैगी आ किसी भी मतलब कंट्री वास्ते वह तुहानूं पता चल गई, गवर्नमेंट नूं पॉलिसी बनाउण च किन्ना इन्हां तों अच्छियां इनपुट्स मिल सकदियां ने वह भी तुहाडे सामने आ जिहड़ियां आपां च डिस्कस कीतियां। ठीक है जी, क्लीयर, ओके। तो स्टूडेंट्स हुण आपां पहुँचदे हाँ क्रिटिसिजम दे उपर कि सार्जेंट फ्लोरेंस थ्यूरी दे जिहड़े वीक पॉइंट्स हैगे आ या किहड़े उह फैक्ट्स हैगे जिन्हां नूं इस थ्यूरी ने ओवरलुक किया, ध्यान च नहीं रख्या। जिवें सब तो पहला है स्टूडेंट्स कि इसने सिर्फ वर्कफोर्स दे बेसिस ते जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्करस आ, ठीक है जी, उस दे बेसिस ते ही इंडस्ट्रियल लोकेशन नूं इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन नूं फाइंड आउट करने की कोशिश की है, मैजर करने की कोशिश की है, जो कि एक सैटिस्फैक्टरी तरीका नहीं है। इस तो अलावा होर बहुत सारे तरीके है जिन्हां दी हैल्प नाल इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन नूं मैजर किया जा सकता है, जिदे विचों वन ऑफ दैम है कि जिन्हों असी साइंटिफिक मैथड मानते हैं दैट इज़ इंडस्ट्रियल आउटपुट, कि इंडस्ट्रियल आउटपुट कि किस जगह तो ज़्यादा आउटपुट आ रही है। ठीक है जी, उस पॉइंट नूं ध्यान च रख के भी इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन मैजर हो सकती है, जो कि एक ज़्यादा साइंटिफिक तरीका हैगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो अज की डेट दे विच फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जिहड़ी लेबर की एफिशिएंसी वह बहुत वेरी करती है, हो सकता है कंट्री दे विच 80% लेबर जिहड़ी आ वह किसी इंडस्ट्री च लगी होवे पर उहदी जिहड़ी आउटपुट आ बहुत घट होवे, ते हो सकता किसी दूसरी कंट्री दे विच
बहुत ही घट लेबर उत्थे उस इंडस्ट्री लगी होवे बट ड्यू टू हाई एफिशिएंसी उन्हां दी आउटपुट बहुत ज़्यादा होवे तां इस करके जिहड़ी कंसंट्रेशन दा है सवाल वह आउटपुट तो अगर देखा जाए तो ज़्यादा बैटर हो सकता। उस तो बाद फ्रेंड्स देखो जिहड़ी तुहाडी सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्यूरी है ये सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज नू ही दस रही है, उन्हों ही रिवील कर रही है कि जो चल रहा है जो प्रेजेंट आ ठीक है उस प्रेजेंट नू दसता कि हाँ जी आ इंडस्ट्री की कंसंट्रेशन हाई है एदी लो है उसनू जो भी डेटा एनालिसिस करके इस थ्यूरी ने मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली बट उसके पिछे रीजनस की सी ओ सब कुछ इस तरह होया क्यों उसके बारे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ठीक है जी। मतलब कि जिहड़ी कंसंट्रेशन होई उसका की कारण सी एक लेबर मान लो सपोज एक पर्टिकुलर जगह पर एक इंडस्ट्री है कंसनट्रेट हो रही तो कारण की सी क्यों कंसनट्रेट हुई वो जो इनहेरेंट रीजनस ने कोई या कोई जोग्राफिकल है या वट एवर उन्होंने बारे बहुत घट इस थ्यूरी ने स्टडी किया है। उस तो बाद स्टूडेंट्स ये आ कि असी इतने सारी जी इंडस्ट्री की कंसनट्रेशन है ना उन्हें लेबर तो जज कर रहे हैं कि टोटल लेबर का जिस इंडस्ट्री ज़्यादा शेयर लग्या होया असी बोलांगे कि वो उस जगह पर कंसनट्रेटड आ बट अगर इंडस्ट्री हाईली कैपीटल इंटेंसिव होवे जिथे लेबर का इस्तेमाल ही बहुत घट हुंदा होवे ज़्यादा कैपीटल जिहड़ियां कैपीटल गुड्स आ उन्हां दा इस्तेमाल हुंदा होवे तां उत्थे ये थ्यूरी जिहड़ी आ वो सूटेबल नहीं हैगी। और तुसीं इह वी नोटिस कीता हो स्टूडेंट्स कई बार गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहिंदे ने है ना मतलब कि प्रोग्राम्स जिथे गवर्नमेंट कई बार किसी खास एरिया के उपर इंडस्ट्री नू इनवाइट करने लिए इनकरेज करती है या सम टाइम उन्हें डिसकरेज भी करना पैंदा क्योंकि कई बार इंडस्ट्री इन्नी कंसनट्रेट हो जाती है तो उहदे नाल जिहड़े मतलब कि ट्रैफिक पोल्यूशन इस तरह के जिहड़े इशूज़ ने उन्हां नू मतलब कि हैंडल करने वास्ते इंडस्ट्री नू उत्थों दूर भी धकेलना पैंदा यानी कि मतलब कि उस एरिया तो किते होर एरिया ते शिफ्ट करना पैंदा तो वह चीज़ां उन्हां केसिस दे विच अगर गवर्नमेंट इस तरह के कोई प्रोग्राम रन कर रही है तो उत्थे भी तुसीं इस तरह की थ्यूरी तो कोई बहुता ज़्यादा बैटर जिहड़ा मतलब मैजर इंडस्ट्रियल लोकेशन का नहीं लै सकोगे ठीक है जी। तो यह स्टूडेंट्स थोड़े सामने सार्जेंट फ्लोरेंस थ्यूरी जिदे विच आपां सब तो पहले दा मीनिंग डिस्कस किया ठीक है जी। उस तो बाद इहदे दो इंपॉर्टेंट चीज़ां लोकेशन फैक्टर तो उस तो बाद कोफिशेंट ऑफ लोकलाइजेशन फिर उन्हां दी इंटरप्रिटेशन दैन लास्ट क्रिटिसिजम। तो होप सो स्टूडेंट्स ये जी असीं ब्रीफ डिस्कशन की इस थ्यूरी की तुहानू मतलब समझ आएगी अगर तुहानू समझ आउंदी तां साडा चैनल मतलब सबसक्राइब करो तो साडियां वीडियोज़ नू लाइक करो ते शेयर करो। थैंक यू भाई।